वेलकम टू मापाज किचन। चलिए आज कुछ आसान रेसिपी बना लेते हैं। आज हम क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाएंगे जो इंस्टेंट 5 मिनट में ही बन जाते हैं। बच्चों को मार्केट में जो स्नैक्स मिलते हैं जैसे कि फ्रेंच फ्राइज है, चिप्स है, बहुत पसंद आते हैं, लेकिन अगर आपको उन्हें घर पे बना हुआ कुछ खिलाना है तो ये बहुत ही आसान है। तो चलिए क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू पील करके लिए है, इसका छिलका मैंने निकाल लिया है, ये देखिए। इस पोटैटो के हम पहले स्लाइस बना लेते हैं। स्लाइस बनाने के लिए पहले मैं इसे बीच में कट कर लेती हूँ, इसके बाद हमें इसकी पतली पतली स्लाइस बनानी है। ये देखिए हमें इस प्रकार इसकी पतली स्लाइस बनानी है। अब हम इस प्रकार से हमारे सभी आलू को कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी आलू को कट कर लिया है, ये देखिए ऐसे स्लाइसेस मैंने इसकी बना ली है। अब हम इसे एक बार वॉश कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस आलू को अभी पानी से धो लिया है। अब हम इसे सिर्फ दो मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा बॉईल कर लेना है, ये आधा कच्चा रहना चाहिए। तो चलिए इसे उबाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी उबाल लिया है, मैं उसमें अभी आग डाल देती हूँ। हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है, सिर्फ दो मिनट के लिए हमें बॉईल कर लेना है। दो मिनट के बाद हम इसे पानी में से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने दो मिनट के लिए आलू को बॉईल कर लिया है, हमने इसे बिल्कुल भी नहीं पकाया। पोटैटो स्लाइसेस को थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, एक चम्मच नमक। अभी नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें हाफ लेमन का जूस डालेंगे। यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हमारे सभी स्लाइसेस को इसकी कोटिंग होनी चाहिए। नहीं तो ये जो स्लाइसेस है ये टूट सकती है। अब हमें इसे डीप फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई करने वाली हूँ। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये स्लाइसेस फ्राई कर लेंगे। आपके बच्चों को थोड़ा सा तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च और लहसुन का तड़का दे सकते हैं। इसमें तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे 7-8 लहसुन की कलियाँ ली है, 3 हरी मिर्च ली है, थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। लहसुन और मिर्च को हमें बारीक बारीक काट लेना है। ये देखिए तड़के के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गर्म किया है, अब हम इसमें
चुटकी भर नमक डालेंगे, ज्यादा नमक नहीं डालना है। अब हम इसे पोटैटो स्लाइस पर डाल देंगे। हमारे इंस्टेंट पोटैटो स्नैक्स बनके तैयार है। अब आप इसे बच्चों को सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।